में क्लास 10th का मैथ बिहार बोर्ड का प्रश्नावली 2.3 जो है ये द्विघात बहुपद है और इसका हम ये बहुपद चैप्टर है और इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। 2.3 है, इसमें हम सवाल नंबर 1 और 2 का पूरा सवाल सॉल्व करेंगे। आगे 3, 4, 5 पार्ट 2 में आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाला पूरा बना हुआ है, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। देखिए इसमें कहा क्या गया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक सवाल निश्चित ही लिया जाता है। ये पी एक्स है और इसमें ये जी एक्स है, इससे भाग देना है, इसमें इससे भाग देना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको हम इसमें सिखाने की 100% गारंटी लेते हैं, आप ज़रूर सीखिएगा। देखिए जी एक्स और ये हम पी एक्स लिख लिए, इससे इसमें भाग देते हैं। तो चलिए एक्स स्क्वायर है, सॉल्व करते हैं। भाग जो है ना ये नॉर्मल भाग की तरह ही है, थोड़ा सा अलग है तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। एक्स स्क्वायर माइनस टू, और एक में नहीं सीखिएगा, दो में नहीं, बहुत सारा एग्जाम्पल है और सभी से हम आपको सॉल्व करेंगे और ज़रूर सीखिएगा। तो मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है, इसको चलिए लिखते हैं। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। आपको पता है ये भाज्य और ये भाजक, इधर जो आएगा भागफल और जो बचेगा वो शेषफल। इसमें देखिए रूल क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। इसमें जो रूल होता है वो ये रूल होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इससे इसमें भाग देंगे तो ये पहला पद जो एक्स क्यू है हर हाल में इसको कटना रहता है, मतलब हर हाल में ये पूरा का पूरा इसमें भाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू में भाग देते हैं, कितना बार में लगेगा, एक्स बार में लगेगा क्योंकि एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यू हो जाएगा। चलिए एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा तो अब एक्स स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे, एक्स क्यू हो जाएगा तो एक्स क्यू हम लिख दिए। अब आगे देखिए ये माइनस टू है तो माइनस टू को एक्स से गुना करेंगे तो माइनस टू होगा, और यहाँ पर नहीं लिखना है क्योंकि एक्स है तो एक्स वाला यहाँ है तो माइनस टू एक्स यहाँ पर लिखेंगे। अब ऐसे कीजिए, नॉर्मल भाग में हम क्या करते हैं, सामने में लिखते हैं। देखिए अब इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन होता है और वो ये परिवर्तन होता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ जो प्लस है ना अपना मन से यहाँ माइनस होगा, उल्टा चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए एक्स क्यू में एक्स क्यू घटाएंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है तो पहले लिख लेंगे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है मतलब 5 में 2x को जोड़ेंगे तो 5 2 7x, 7x माइनस 3, ठीक है। अब देखिए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर लाने के लिए एक्स स्क्वायर में माइनस थ्री से गुना करना पड़ेगा तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, अब यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, और 2 3 6 तो प्लस 6, इसी के सामने लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अंक वाले के सामने एक्स वाला रहता तो इसके सामने लिखते, यहाँ माइनस है तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस होगा और ये कट जाएगा, और यहाँ 7x है तो इसको उतार लेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, दोनों माइनस में जुट जाएगा, 6 3 9 तो माइनस 9, यही हमारा शेषफल हुआ। लिख दीजिएगा शेषफल बराबर 7x - 9, और ये हमारा भागफल हुआ, भागफल बराबर कितना आया, x - 3। क्लियर है पहला सवाल, चलिए आपने सीखा या नहीं सीखा है तो आप रिवीजन कीजिए या अगला जो है ध्यान दीजिएगा, सेम सवाल है बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखिए मैथ जो होता है ना बहुत आसान होता है, बस आपको परमामेंट्स में ध्यान देना होगा, रेगुलर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा, प्रैक्टिस में रहिएगा तो बिल्कुल सीख जाइएगा। चलिए अगला सवाल हम लिख लेते हैं, एक्स का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये पी एक्स का मान था और जी एक्स जो हमको दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये सवाल में अधिकतर स्टूडेंट फंस जाते हैं, बताते हैं इसमें क्या समस्याएं होती है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है तो आप पढ़िए होइएगा बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात बहुपद। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है तो ये व्यापक रूप में नहीं है, पहले दो पावर वाले आएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक पावर वाले और लास्ट में जाएगा अचर पद अंक वाला, ऐसे अब भाग देंगे। देखिए बिल्कुल लगेगा इससे भाग देंगे, किसमें, इसमें पी एक्स में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब इससे भाग दीजिए इसमें एक्स का 4 पावर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इसमें। देखिए अब आपको क्या करना है,
इसमें भाग देना है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से इसमें भाग देंगे, तो पहले तो एक्स का फोर पावर है, तो फोर पावर में लगाने के लिए एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो एक्स का फोर पावर आ जाएगा, गुना में पावर जुड़ता है तो दो दो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। अब आगे है माइनस एक्स, और माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस वन को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चलिए ये कर लिए। एक्स क्यूब ऊपर में है, नहीं है, यहाँ माइनस एक्स क्यूब है तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस इसका होगा, एक्स क्यूब को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये भी माइनस होगा, दोनों माइनस, दोनों जुट जाएगा तो माइनस फोर एक्स का पावर टू है तो टू, फोर एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, एक्स क्यू को उसी प्रकार उतार लेंगे, सिर्फ चिन्ह बदलेगा, ठीक है। अब एक्स क्यू लाना है तो एक्स स्क्वायर में बस हमको प्लस एक्स से गुना करना पड़ेगा, एक्स क्यू तो आ गया, अब माइनस एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और वन को एक्स से गुना करेंगे तो प्लस एक्स, अब देखिए प्लस प्लस और यहाँ पर माइनस, ये कट गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और फोर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटेगा तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और फोर एक्स में एक्स जाएगा तो प्लस में थ्री एक्स, और लास्ट में फाइव है। माइनस थ्री एक्स स्क्वायर लाने के लिए माइनस थ्री से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस थ्री से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो आ जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स को गुना करेंगे माइनस थ्री से तो माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स, देखिए माइनस माइनस प्लस होगा ना थ्री एक्स। अब एक को तीन से गुना करेंगे तो माइनस तीन हो जाएगा, क्योंकि प्लस और गुना माइनस तो माइनस। अब आपको पता होगा आगे क्या होने वाला है, प्लस हुआ तो ये कट गया, यहाँ प्लस है माइनस करेंगे थ्री एक्स में थ्री एक्स कट गया, यहाँ माइनस तीन है तो प्लस करेंगे, और पाँच तीन आठ, ये आपका शेषफल हो गया। और इतना आंसर भी है, आंसर चेक किए हैं शेषफल, ये आपका भागफल भी है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन कहाँ पर विद्यार्थी गलती करता है, यहाँ पर आपको समझा देते हैं, माइनस एक्स क्यू है और इसको माइनस में ही उतार लेता है, नहीं परिवर्तन चिन्ह बदलेगा चाहे हम कुछ करें या ना करें, ठीक है। चलिए एक का दूसरा सवाल सीखे हैं, समय बहुत लग रहा है क्योंकि सवाल ही वैसी है। देखिए एक का तीसरा सवाल, अगर अभी तक लाइक आप नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए, देखिए कितना मेहनत लग रहा है आपके सामने बनाने में वीडियो। तो पी एक्स बराबर, तीसरा सवाल है, बराबर एक्स का पावर फोर, एक्स का पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और यहाँ पर आपका दिया गया है जी एक्स बराबर टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी विद्यार्थी फंस जाता है क्योंकि टू माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, ये व्यापक रूप में नहीं है, तो पहले ये क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और बाद में टू जाएगा, टू के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, तो इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, घटते क्रम में चलता, पहले अधिक पावर फिर कम लास्ट में अचर पद। अब इससे इसमें भाग दीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू से एक्स का पावर फोर माइनस पाँच एक्स प्लस छः में भाग दीजिए, बिल्कुल आसान है, माइनस एक्स स्क्वायर से हमको एक्स का फोर पावर लाना है तो एक्स के टू पावर से गुना करेंगे और दो दो चार होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे तब ना, माइनस गुना माइनस प्लस, क्योंकि ये क्या है प्लस में है, एक्स का पावर फोर तो आ गया, अब प्लस टू को माइनस एक्स स्क्वायर से करना है तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, पहले वाला कंडीशन आ गया, यहाँ तो माइनस होगा कट जाएगा लेकिन टू एक्स स्क्वायर ऊपर में है ही नहीं तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन प्लस, तो यहाँ पर होगा प्लस टू एक्स स्क्वायर, और माइनस पाँच एक्स को उतार लेंगे प्लस छः। अब टू एक्स स्क्वायर प्लस में लाने के लिए माइनस टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस टू व गुना माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, प्लस टू को माइनस टू से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, दो दोना चार, सॉरी यहाँ पर आएगा माइनस चार, इसको छोड़िए क्योंकि अंक वाले तो अंक वाले के सामने जाएगा, यहाँ माइनस ये कटा, यहाँ माइनस पाँच एक्स आ जाएगा, माइनस पाँच एक्स यहाँ प्लस हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन छः चार दस, माइनस पाँच एक्स प्लस दस, ये हो गया शेषफल, और ये आपका हो गया भागफल, और ये भाज्य और ये भाजक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हमने एक का तीनों सवाल बताया, नंबर एक का तीनों सवाल आपको बता दिए, देख लीजिए
तीन सवाल था, एक दो तीनों बता दिया। अब आपका दूसरा नंबर है, क्या बोल रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, मतलब पहला जो है दूसरा का एक गुणनखंड है या नहीं, जांच करना है। और सवाल आपका दिया गया है इधर, देख लीजिए टोटल तीन सवाल है, बस ये तीनों आपको बताएंगे और अगला वीडियो में 3, 4, 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपको देखने में भी मजा आएगा। तो तीन सवाल, चलिए करते हैं, सवाल लिखते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड की बात आई तो हमको समझना पड़ेगा गुणनखंड अर्थात गुणनखंड होता क्या है और इसका क्या मतलब होता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लेते हैं 4 और 4 में 2 से भाग देते हैं तो पूरा देखिए लगा, 2 दुना 4 कट गया, तो 2 क्या है, 4 का गुणनखंड है, क्योंकि 4 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 2 आएगा। इसी जगह हम 7 लेते हैं और 7 में 2 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6 शेष बच जाता है। अब बताइए 2 आएगा 7 में, 7 का गुणनखंड कीजिए तो 7 गुना 1 2 कभी नहीं आएगा। मतलब यदि अगर पूरा भाग लग जाए, जैसे इसमें लगा तो गुणनखंड है, और पूरा भाग नहीं लगे शेष बच जाए तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। देखिए ये सवाल था फर्स्ट, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये सेकंड सवाल और ये थर्ड सवाल, वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए आगे आपका है 2 का फर्स्ट सवाल, 2 नंबर का पहला सवाल, देखिए इधर ही कर लेते हैं। तो 2 नंबर का फर्स्ट सवाल जो है वो इस प्रकार से है, t²-3 कॉमा दिया हुआ है, चलिए डायरेक्ट हम भाग ही कर देते हैं, 2t⁴ उसके बाद प्लस 3t³-2t²-9t-12 और इस प्रकार से है। देखिए t को ध्यान से लिखिएगा, t को प्लस की तरह अगर आपने लिख दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अब आपको भाग देना है, समझना है, देखिए समझिए t²-3 यहाँ 2t⁴ लाना है, तो पहले तो 2 उसके बाद t⁴ लाना है, तो t² से गुना करना पड़ेगा, 2t² से गुना करेंगे 2t⁴-3 गुना 2 तो -6 t²। अब कहिएगा इसको यहाँ पर क्यों लिखे, तो स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के सामने लिखेंगे और यहाँ क्यूब वाले तो है नहीं, ठीक है, समझिए आगे आगे आपको समझना है। थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम आ गया फिर से, चलिए लाइटिंग बंद कर देते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे देखिए क्या होगा कि अब यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ प्लस और प्लस प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस हुआ तो ये क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ होगा प्लस, प्लस होगा यहाँ 3t³ को उतार लेंगे, अब यहाँ प्लस होगा तो प्लस 6t²-2t घट जाएगा तो क्या होगा 4t²। अब आगे देखिए ये वाला सेम टू सेम उतार लेंगे, -9t-12। अब देखिए 3t³ लाना है, तो सबसे पहले तो 3 से प्लस में है तो प्लस में 3 से t³ लाना है, और t² है तो सिर्फ t से गुना करेंगे तो 3t³, अब -3 गुना प्लस 3 तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस, और 3 तिहाई 9t, देखिए 3 तिहाई 9t हुआ, क्योंकि t वाले को t वाले के सामने लिखेंगे, t मतलब चाय मत समझ लीजिएगा, देखिए प्लस प्लस यहाँ माइनस कट गया, 4t² है तो इसको उतार लेंगे, यहाँ प्लस तो 9 से 9 गया, माइनस में 12 उतर गया, 4t² लाने के लिए t² में 4 से करना पड़ेगा गुना, तो 4t²-3 × +4 तो -++-12 +±0 तो यहाँ पर शेष 0 बचा, कुछ नहीं बचा। आपको क्या बताएं, जब शेष कुछ नहीं बचे तो यहाँ पर लिख देना है कि गुणनखंड है, तो लिख देना है पहला बहुपद क्या है, दूसरा बहुपद का गुणनखंड, गुणनखंड है, अगर शेष बच जाता तो गुणनखंड नहीं होता। तो चलिए 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपने जाना, और इसी बात पर लाइक हो जाए, बहुत मेहनत लगता है, आप देख ही रहे हैं कितना
मेहनत करके बनाते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। देखिए दूसरा सवाल आपका है प्लस थ्री एक्स प्लस वन। आपको भाग जो है बहुपद का सीखना है, इससे भाग देना है किसमें, थ्री एक्स का पावर फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। ठीक है, इसमें भाग देना। देखिए एक एक करके लिखते हैं, एक भी मिस्टेक क्या होगा, सवाल को दोबारा बनाना पड़ेगा और सारा मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए आप भी इसी प्रकार से बनाइए, एक के बार दिमाग लगाने से क्या होगा, गलत हुआ दोबारा मेहनत करना पड़ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर से हमको थ्री एक्स का फोर पावर लाना है। चलिए थोड़ा सा लाइट को ऑफ कर देते हैं, समझिए एक्स स्क्वायर से थ्री एक्स का पावर फोर लाना है तो थ्री से पहले गुना करना पड़ेगा। एक्स का फोर पावर लाने के लिए एक्स के टू पावर में कितना, एक्स के टू पावर से गुना करना पड़ेगा, कर दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर इससे गुना करेंगे तो थ्री एक्स का पावर फोर आ जाएगा, प्लस थ्री एक्स है तो तीन गुना तीन नौ, एक्स गुना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा तो प्लस नौ, एक्स गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब हो जाएगा। प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुपद का गुना आपको सिखाएंगे। देखिए प्लस वन गुना तीन एक्स स्क्वायर तो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए कुछ नहीं तो प्लस प्लस, यहाँ माइनस, पहला पद तो कटना है हर हाल में, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा और माइनस नौ एक्स क्यू में पाँच एक्स क्यू घट जाएगा तो माइनस चार एक्स क्यू। यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस होगा और दोनों माइनस में जुट जाएगा तो माइनस दस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस टू, ये दोनों को इसी प्रकार से उतार लेंगे। माइनस चार एक्स क्यू लाना है तो क्या करेंगे, माइनस चार और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो एक्स से गुना करना पड़ेगा तो माइनस चार एक्स क्यूब, हर हाल में पहला पद कटना चाहिए। प्लस तीन और माइनस चार तो माइनस प्लस माइनस, तीन चौक बारह, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस वन गुना माइनस चार एक्स तो माइनस चार एक्स, क्योंकि वन से किसी में गुना करेंगे वही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, क्योंकि नीचे वाला चिन्ह देखेंगे उसके अनुसार से चिन्ह को परिवर्तित हम कर देंगे। देखिए अब आगे क्या होगा, ये तो गया, अब प्लस में 12 और माइनस में 10 तो 12 से 10 को घटाएंगे 2x स्क्वायर बचेगा, प्लस 4 4 और यहाँ प्लस 2 तो प्लस 6x और लास्ट में बच जाता है प्लस 2, तो x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे 2x स्क्वायर आएगा तो 2 से प्लस 2 से, तो 2x स्क्वायर देखिए प्लस प्लस यहाँ परिवर्तन होगा माइनस। आप देखिए 3x को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x, 1 को 2 से करेंगे तो 2, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये गया और ये भी चला गया, कोई नहीं बचा, शेष जो है 0। तो गुणनखंड है तो लिख देंगे, हाँ गुणनखंड है। लगता है तीसरा नंबर जो सवाल है वो ही गुणनखंड नहीं है, चलिए उसको भी जांच कर लेते हैं। दो सवाल अगर जो सीख गया तो तीसरा तो वो खुद ब खुद बना लेगा, फिर भी आप ध्यान दीजिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा बना है। देखिए एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस वन कोमा एक्स का पावर पाँच माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इसमें भाग देना है, कोमा डायरेक्ट हम भाग ही दे देते हैं, सवाल लिखने में आपका टाइम क्यों लेंगे। देखिए इससे इसमें भाग देना है, एक्स का पावर फाइव लाना है तो क्यूब है तो एक्स का दो पावर से गुना करेंगे, दो और तीन को जोड़िए पाँच हो जाता है, गुना में पावर जुड़ता है तो एक्स का पावर पाँच। अब माइनस तीन एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस तीन एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुना एक्स, प्लस एक को एक्स स्क्वायर से कीजिए तो एक्स स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। कुछ नहीं तो प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, उल्टा ये तो गया। अब प्लस में तीन और माइनस में चार तो चार में से तीन को घटा देंगे, माइनस में एक एक्स क्यूब, एक को दर्शाते नहीं है, माइनस में एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर चला गया, बचा बेचारा प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब एक्स क्यू से माइनस एक्स क्यू लाने के लिए कितना से, माइनस वन से करना पड़ेगा, माइनस वन गुना एक्स क्यू माइनस एक्स क्यूब, माइनस थ्री एक्स गुना माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स और प्लस वन गुना माइनस वन तो माइनस वन,
यहीं पर देखिए ये प्लस तो गया, यहाँ होगा माइनस, ये भी गया, लेकिन यहाँ माइनस वन है तो प्लस, तो वन वन टू। कितना स्टूडेंट दिमाग लगाते हैं कि ये भी कटेगा, क्योंकि सब कटा तो ये भी कटेगा, लेकिन नहीं, शेष दो बचा तो गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं। तो जैसा कि आपको शुरू में बताए थे कि आपको हम दो सवाल बताएंगे, तो सवाल तो दो ही था, लेकिन दोनों में तीन तीन था, तो हो गया छः, और यहाँ पर हो रहा है टोटल 20 मिनट पार हो रहा है। तो इस प्रकार से 2.3 का ये हम दोनों सवाल जाने, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा सवाल अगली वीडियो में जानेंगे। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपसे मिल सके।